एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा शुक्रवार को सबसे ज्यादा आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों को डालने वाले फरियादियों के आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों का सही तरीके से निस्तारण हेतु एसपी क्राइम ऑफिस में आईजीआरएस मेगा मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने सबसे ज्यादा जिले में आईजीआरएस डालने वाले वादियों को एसपी क्राइम कार्यालय बुलाकर खुद उनसे बात की और उनकी समस्याओं को जाना और समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि जिले में सबसे अधिक आईजीआरएस पर शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं को एसपी क्राइम ऑफिस पर बुलाया गया है और यहां पर एसपी सिटी, एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ अपने अपने क्षेत्र के फरियादियों की जन सुनवाई कर रहे हैं, उनके समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। यह वह लोग हैं जिन्होंने जिले में सबसे ज्यादा आईजीआरएस पर शिकायत की है। इस तरह कुल 56 लोग हैं जिन्होंने आईजीआरएस पर सबसे ज्यादा शिकायत की है, उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। यदि उस व्यक्ति की समस्या का निस्तारण होने के लायक है तो क्यों नहीं हुआ, उसमें कौन दोषी पुलिसकर्मी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यदि शिकायतकर्ता गलत प्रार्थना पत्र डालकर पुलिस को व अपने पड़ोसी को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि प्रयास है कि आईजीआरएस के पत्र को गंभीरतापूर्वक देखा जाए, ऑफिस का दुरुपयोग करने वाले के ऊपर भी कार्यवाही की जाए कि सिस्टम ठीक ढंग से चले और लोगों में अच्छा संदेश जाए। इस अवसर पर एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, इसमें पुलिस वालों की टेक्निकल गलती है या इसमें जानबूझ के बार बार आइडिया डाला जा रहा है, तो ये तीनों जो भी कारण किसकी गलती है आपका क्या नाम है? इनके साथ आए हैं? हाँ हाँ, पासपोर्ट वाला ना, किसका पासपोर्ट बनवाना जा रहा है अपना? तो आपके ऊपर तो मुकदमे हैं 7-8, मैंने देखा है निकाल के। पर एक भी मुकदमा है तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, करवा देंगे तब हो जाएगा। लेकिन शिकायत ये है कि क्या गया है, लिखा गया है इतने मुकदमे हैं, ये कहीं नहीं मिला नहीं। आपका प्रकरण तो मैं खुद निकलवा के देखा है, आपने अच्छा खाता है। अब आप जो है कितने बार आइडिया रहेंगे और ये भी है 90%। मैंने 2-3 बार यहाँ रिपोर्ट, यहाँ पर सब विशेष हमारे विशेष मेहमान हैं सारे, यहाँ पे पूरे जिले के 56 लोग बुलाए हैं हमने, आईजीआरएस डाल रहे हैं। अब बार बार आईजीआरएस डाल रहे हैं तो क्या कारण है? या तो आप वाकई में सही बात कह रहे हैं जो हम सुन नहीं पा रहे, हमारे अधिकारी हमारा विभाग नहीं सुन पा रहा, या हम जो बात कह रहे हैं वो आप सुनना नहीं चाहते, आप स्वीकार करने नहीं चाहते, या आपका पासपोर्ट तो बन ही नहीं पाएगा। तो बात खत्म होने के लिए कितने मुकदमे हुए आज तक, कितने मुकदमे दर्ज हुए आपके ऊपर? 6 मुकदमे हैं। जो आईजीआरएस में सर्वाधिक शिकायत दर्ज करने वाले शिकायतकर्ताओं को हमने अपने क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलवाया है और यहाँ पे हमारे एसपी सिटी, एसपी साउथ और एसपी नॉर्थ तीनों लोग बैठे हैं और अपने अपने क्षेत्र के जो भी फरियादी आए हैं उनकी सुनवाई कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि जनपद में सर्वाधिक जिन्होंने आईजीआरएस के प्रार्थना पत्र दिए हैं और ऐसे कुल 56 लोग हैं
और इनमें से हर व्यक्ति की समस्या का निस्तारण होगा। यदि वो व्यक्ति की समस्या का निस्तारण होने लायक है तो क्यों नहीं हुआ, उसमें कौन दोषी पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यदि ये गलत प्रार्थना पत्र डालकर पुलिस को या अपने पड़ोसी को या विपक्षी पार्टी को परेशान कर रहे हैं तो इनके खिलाफ भी जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। उद्देश्य यह है कि IGRS के प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से देखा जाए और इसका दुरुपयोग करने वालों का भी इस पर कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, ताकि ये सिस्टम दुरुस्त होके चले और लोगों में इसका अच्छा संदेश जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है जो गलत IGRS डालकर परेशान करते हैं? देखिए, IGRS की सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए उपलब्ध करवाई है कि घर बैठे हमारे बुजुर्ग व्यक्ति, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे या ऐसे लोग जो थाने या चौकी पर नहीं जा सकते, वो घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। ऐसे में यदि कोई इस सिस्टम का दुरुपयोग करता है और अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए बार बार लगातार प्रार्थना पत्र डालता है जो कि झूठे हैं, या उनको बताने के बावजूद वो जानबूझ के परेशान करने के लिए डालते हैं, तो ऐसे लोगों का भी चिन्हीकरण होना चाहिए। और यदि कोई पुलिसकर्मी है जो बार बार प्रार्थना पत्र के बावजूद सही कार्रवाई नहीं कर रहा, तो ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो भी IGRS में प्रकरण आया उसको गुणवत्ता से समयबद्ध तरीके से चेक किया जाए और इसका दुरुपयोग ना हो, इससे ज़्यादा लोगों को सहायता मिले, ये आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है।